नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज 30 मई 2020 शनिवार और आज के विशेष उपाय के साथ मैं उपलब्ध हूँ। आज क्या करें, आज क्या ना करें और आज क्या विशेष करें जिससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो और धन से संबंधित, मन से संबंधित, तन से संबंधित सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सके, इसके लिए आज मैं विशेष उपाय लेकर के आया हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ हमेशा निरंतर प्राप्त होते रहें। तो चलिए बात करेंगे, आज है 30 मई 2020 दिन शनिवार और पक्ष जो है शुक्ल पक्ष चल रहा है ज्येष्ठ मास का और तिथि आज अष्टमी रात्रि 7:57 तक रहेगी, उसके पश्चात में नवमी तिथि होगी। तो आज जो विशेष है सर्वप्रथम आपको बता देता हूँ मैं क्या नहीं करें आज। तो आज अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि को नारियल का फल जो होता है अगर वो आप खाएं तो उसको खाने से बुद्धि का नाश होता है। तो नारियल का फल जो होता है, नारियल होता है, उसको नहीं खाना चाहिए, इससे बुद्धि का नाश होता है, ऐसा ब्रह्म विवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। साथ ही अष्टमी तिथि के दिन स्त्री सहवास और तिल का तेल खाना और लगाना भी निषिद्ध है, यह भी ब्रह्म विवर्त पुराण में लिखा हुआ है। तो इसलिए आज अष्टमी तिथि है, आज आप ये कार्य भी ना करें। साथ ही ब्रह्म पुराण के 118वें अध्याय में शनिदेव कहते हैं कि मेरे दिन अर्थात शनिवार को जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उनके सब कार्य सिद्ध होंगे तथा मुझसे उनको कोई पीड़ा नहीं होगी। जो शनिवार को प्रातःकाल उठ करके पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उन्हें ग्रहजन्य पीड़ा नहीं होगी। तो जिनको भगवान शनिदेव की साढ़े साथी या शनि रहिया चल रही है वो जरूर ये उपाय कर सकते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इससे बहुत सारे लोगों का कार्य सिद्ध हुआ है और बहुत सारे लोगों की पीड़ा शांत हुई है। तो आप ये उपाय जरूर करें, अगर आपको शनि साढ़े साथी है तब भी करें और अगर नहीं भी है तब भी पीपल के वृक्ष के पास जाकर के स्पर्श और प्रणाम तो जरूर करना चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन यह विशेष लाभकारी होता है मित्रों। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का जो दोनों हाथों से स्पर्श करते हैं और ओम नमः शिवाय ऐसा 108 बार अगर आप जप करते हैं तो इससे दुख, कठिनाई, ग्रह दोष और बहुत सारे अनेक पाप दोष शांत हो जाते हैं और सुखों का आगमन आपके जीवन में संभव हो जाता है। तो आप ये उपाय भी आज जरूर करें, दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय बोलना है आपको 108 बार, बस इतना सा करना है और आप फिर देखिए क्या प्रभाव होता है इसका। और हर शनिवार को पीपल के पेड़ की जो जड़ है, जड़ में जल चढ़ाने से और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है, ऐसा पद्म पुराण में भी कहा गया है। तो ये उपाय भी आप जरूर करें, वहाँ पे पीपल के पेड़ जो रहता है उसकी जड़ में जल जरूर चढ़ाएं और वहाँ पे दीपक जरूर लगाएं। अब मैं आपको बताता हूँ आज का विशेष उपाय, काम धंधे में सफलता एवं राजयोग के लिए आज विशेष उपाय मैं बताता हूँ आपको। 30 मई 2020 शनिवार को शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, अगर काम धंधा करते समय सफलता नहीं मिलती हो या विघ्न आते हों तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बेल के कोमल कोमल पत्तों पर लाल चंदन लगाकर माँ जगदम्बा को अर्पण करने से और मंत्र बोलना है आपको ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः और थोड़ी देर बैठकर प्रार्थना और जप करने से राजयोग बनता है। और गुरु मंत्र का जप और कभी कभी ये प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। तो आज आप ये प्रयोग भी जरूर करें, इससे अगर आपके काम धंधे में या अगर आपके काम धंधे में कोई बाधा आ रही है, काम नहीं हो पा रहा है तो इसमें 100% सफलता आपको मिलेगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। अष्टमी तिथि है आज और अष्टमी तिथि को बेल तो आप जानते ही होंगे, बेल के कोमल पत्तों पर लाल चंदन लगाना है आपको और माँ जगदम्बा को उनको अर्पण करना है, चढ़ाना है और साथ ही में मंत्र बोलना है ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, इस प्रकार मंत्र बोलना है। अब एक और मैं सुख समृद्धि और सौभाग्य की बढ़ोतरी करने के लिए व्रत बताता हूँ। ज्येष्ठ मास में सुहागन देवियों के लिए व्रत उमा ब्रह्माणी व्रत, भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी को हो सके तो आसपास कन्याएं, बेटियां छोटी छोटी हों तो उनको दूध और चावल की खीर का भोजन करवाएं, खुद भी खाएं और माँ पार्वती के नाम का थोड़ा जप कर दें और ये मंत्र बोलकर
ओम पार्वती नमः, ओम शंकर प्रियाई नमः, ओम गौरी नमः, ओम उमाई नमः। इस प्रकार आपको मंत्र बोलना है। ये बोलकर माँ पार्वती को प्रणाम करें और उस सुहागन देवी के घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की बढ़ोतरी जरूर होती है। तो विशेष जो है 31 मई 2020 रविवार को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है, तो आप नवमी तिथि को यह कार्य जरूर कर सकती हैं। ये 31 तारीख का भी मैंने आज आपको उपाय बता दिया है, आप ये करना भी बिल्कुल न भूलें, जिससे आपके सौभाग्य की बढ़ोतरी होगी और आपके घर में सुख समृद्धि जरूर आएगी। तो कुछ इस प्रकार के आज के उपाय रहे हैं मित्रों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और साथ ही में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस हमेशा मिलते रहें। साथ ही यह वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ में, उन मित्रों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, जिनके काम धंधे अभी तक रुके हुए हैं, जिनको उपाय करने की ज़रूरत है, या जो ये उपाय कर रहे हैं तो उनका भी लाभ हो आपके माध्यम से, तो उनको ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना मित्रों। पता नहीं आप किसका भला कर जाएं इस वीडियो के माध्यम से, और किसका क्या कब भला हो जाए ये कोई नहीं जानता, तो इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।